दोस्तों स्पीडो मैच जो कवर करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलियन T20 सीरीज जो कि स्टार्ट है, उसका थर्ड मैच खेला जाएगा। आई थिंक इसे कल ही स्टार्ट हुआ था और आज इसका तीसरा मैच। और ये मैच देखोगे तो पर्थ स्कॉचेस वर्सेस पाकिस्तान ए के बीच मैच, यानी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है। उसे तो एक बड़ा मैच कह सकते हो डोमेस्टिक लेवल में, लेकिन फिर भी मैं प्रिफेर करूँगा कि ग्राइंड लवर्स के लिए अच्छा मैच है, स्मॉल लीग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राइंड लीग खेले, ठीक है, याद रखना। हालांकि स्मॉल लीग के लिए भी सही मैच रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पर्थ स्कॉचेस अपना लास्ट मैच खेल के भी आ रहे हैं, पाकिस्तानी के लिए पहला मैच रहेगा ये। बाकी का इस वीडियो आपको मैं फैन टू प्ले की भी टीम दूंगा, जहाँ पे विनिंग करना बहुत ईजी, एक बार ट्राई जो से करना, इजिली आप विन करोगे इस ऐप पे। और फैन टू प्ले कितना ट्रस्टेड है मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद इस ऐप पे 4 साल से ज़्यादा से खेल रहा हूँ। बाकी फाइन टीम के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको फाइनल टीम, ऐसे मैचेस की फाइनल टीम पिच रिपोर्ट आपको कोई नहीं देगा, आपको ही पता है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, आप उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक हैंड अप पर शर्ट काम करता है। तो टेलीग्राम चैनल जू से ज्वाइन कर लेना, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी एकदम फ्री। ऑफ कोर्स जहाँ पे देखो कल की टीम आपको देखना है, देखो कल मैंने आपको ये टीम दिया था, इस टीम के साथ कोई हारा हुआ, एक कॉन्टेस्ट नहीं हारा हुआ, आप खुद से देखो वुमेंस मैच था। मैंने ऑडियो में मैंने क्या बोला था कि आपके लिए गेट से पिरसोन जी पिरसोन आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेगी, और मैंने वीडियो में भी बोला था, और निकोला हिनकॉक को तो मैंने पहले ही बोल दिया था, नो डाउट निकोला हिनकॉक के बारे में, जब देखा पिरसोन खेल रही है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। मैंने बोला था इन दोनों का CVC रोटेट करना, और सबसे ज़्यादा दोनों ही हाईएस्ट पॉइंट टेकर थी, इसीलिए बोलता हूँ टेलीग्राम चैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विनिंग के लिए। टेलीग्राम चैट यूज़ करके पार्टी आपको वहीं पर मिलेगी। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो शूट नहीं करना चाहिए, 5 घंटे बचे के इसके बाद दूसरा मैच भी मैं कवर करूँगा इसका, तो इंपॉर्टेंट चीज़ उसी को मैं कवर अप करूँगा। दो हेड टू हेड तो दोनों आपस से पहली बार भिड़ रहे, तो मैं कुछ हेड टू रिकॉर्ड तो रहेगा नहीं इनका, क्योंकि दोनों आपस से फर्स्ट टाइम भिड़ रहे। पिच रिपोर्ट वगैरह आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले ये जो विकेट है कैसा सरफेस है पहले वो देख लेते, देखोगे तो ये एक बैलेंस विकेट है, पहले पिछले पॉट आपको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये बैलेंस विकेट है, पेसर्स को भी 50% सपोर्ट मिल रहा है और स्पिनर्स को भी 50% मिल रहा है। उसके अलावा पिच 55% बैटिंग को सपोर्ट करता है, 45% बॉलिंग को सपोर्ट करता है। एवरेजली अगर T20 के हिसाब से तो 154 इस विकेट का एवरेज रन है, यानी कि 154 रन के आसपास आपको स्कोर देखने को आराम से मिल सकता है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वेदर वगैरह देख लेते हैं, तो आप देखोगे पिच आपको सिंपल से लैंग्वेज में समझा चुका, पिच का बिहेवियर कैसा है, बैलेंस है, यानी कि न्यूट्रल विकेट समझ के टीम क्रिएट कीजिएगा। टेम्परेचर वहाँ का 24 डिग्री सेल्सियस है, क्लाउडली मौसम है, कोई ऐसा बारिश का चांस तो नहीं, बट हाँ हो भी सकता है कि क्लाउडली है। उसके अलावा थोड़ा सा इस विकेट पे पेसर्स को सपोर्ट हो सकता है, लेकिन 50-50 वाली बात है, क्योंकि विकेट बैलेंस है। उसके अलावा एवरेज फर्स्ट नहीं हो, 146-154 तक जा सकता है। रिकॉर्ड ऑफ चेसिंग अगर आप देखोगे, जो टीम चेस करती है उसके 15% जीतने के चांसेस है, पहले बैटिंग में ज़्यादा चांस है। उसके अलावा इनके सबसे पहले पर्थ स्कॉचेस का लाइनअप देख लेते, ओपनिंग करेंगे सैम पैनिंग, ओपनिंग करेंगे टीम से अच्छे प्लेयर है, कैटरॉन क्रिशल जो कि हर को जानते हैं, ये भी ठीक है टीम से। उसके अलावा देखो जोरेल कोटेश है, उसके अलावा एक्स्ट्रा होल्ड जो कि टीम से अच्छा प्लेयर, टीम से नो डाउट फॉर्म भी ठीक ठाक ही चल रहा है। उसके अलावा देखोगे ल्यूक होल्ट है, उसके लिए देखोगे वैश्य जैक्सन है, मैथ्यू केली है, ल्यूकास मार्टिन है, उसके अलावा डेक्लिन पावर है, जेरी चार्टसन अवेलेबल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्यू स्पोर्ट्स भी अवेलेबल है। तो पर्थ स्कॉचेस का लाइनअप तो मुझे ठीक ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि नए प्लेयर्स ज़्यादा दिख रहे, ज़्यादातर यंगस्टर्स है, देखो ना ज़्यादातर यंगस्टर्स है इस टीम में। इन पाकिस्तान तो वही अपने पड़े हुए 11 प्लेयर, मोहम्मद हारिस ये भी टैलेंटेड और यंगस्टर प्लेयर है पाकिस्तान का, अब्दुल फैश अवेलेबल है, आफ्ताब मीनाज कहाँ से आ गया है, आफ्ताब मीनाज भी अवेलेबल है, तो आफ्ताब मीनाज को भी कवर ही चलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहता है बंदा। आरिफ अकीब अवेलेबल है, फैशल अकरम भी अवेलेबल, इस पर हासिबुल्ला भी आ गया, ये सब इतने कहाँ से आ गए। उसके लिए जहाना दर्द खान टीम दस है, अवेलेबल है टीम दस है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी ये भी आ गए, ये सब टेस्ट में ज़्यादा खेलते थे भाई। मोहम्मद इमरान जूनियर ये बहुत ज़्यादा विकेट टेकिंग प्लेयर है, मोहम्मद इरफान खान भी आ गए, मुबासिर खान भी आ गए, देखो यहाँ तक बड़े अजीब है, ठीक है। पाकिस्तानी के लिए अगर देखोगे नो डाउट इनके पास इंस्टर है, देखो मोहम्मद आरिस वगैरह बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स, आफ्ताब मीनाज तो बहुत इनफॉर्म है, मतलब उस बंदे को क्या ही बोलूँ, बैटिंग बोली को नहीं करते। तो दोनों टीम का लाइनअप सब देख लो ध्यान से, पहले मैं आपको ड्रीम लीग टीम दे देता हूँ, बाकी फाइन टेबल टेलीग्राम पर तो मिल ही जाएगा। टेलीग्राम चेंज होने के सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम चेंज होने के जैसा, फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो देख लो, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वीडियो को ओपन करता, आप वीडियो देख लेना, कुछ नहीं करना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, पहले तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप क्या करना, पहले तो बहुत अच्छा लास्ट वीडियो सपोर्ट है, बहुत अच्छे लाइक्स वगैरह है, आप क्या करना, मोरल इस पर क्लिक करना और इस पर क्लिक करना, इस वाले लिंक पे, इस पर क्लिक करोगे उसे टेलीग्राम चाहिए आपके साथ ओपन, ज्वाइन यूज से क्लिक करना,
लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन बटन दबा के पहले आपको ड्रीम टीम देता हूँ, उसके बाद में फैन टू प्ले की टीम दूंगा और कंपेयर करके दिखाऊंगा कहाँ पे आपके विनिंग चांसेस ज़्यादा है। सबसे पहले इसकी टीम देखे हटाते हैं आपको, ठीक है। उसके दूसरा मैच इसका मैं कवर करूँगा, है ना, दूसरा मैच ये इसका। बात कर विकेट कीपर से, उससे प्लस वीडियो को जूस लाइक करके, वैसे मैच कोई नहीं कवर कर, बट अगर हम लोग कवर कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर, पहले वेबसाइट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो सबसे जरूर करें, ठीक है। बात कर विकेट कीपर से, मैं बहुत लॉस वाली टीम क्रिएट करता हूँ और बहुत मतलब कि ऐसे टीम आपको क्रिएट कर दूंगा वो मज़ा आ जाएगा, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट अपने को क्वालिटी ज़्यादा में करके रखना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो इधर से तो मोहम्मद हारिस नो डाउट यंगस्टर प्लेयर हर कोई जानता है, बट बी होल्ड एक कोई ख़राब प्लेयर नहीं है, तो दो विकेट कीपर के साथ आप जा सकते हो। मैं दो विकेट कीपर ट्राई करना चाहूँगा क्योंकि फोर्थ में बैटिंग कोई नीचे नहीं है। बी होल्ड एक टीक मतलब अच्छा प्लेयर, हाथ से बोल रहा हूँ, काफ़ी मैचेस ओपनिंग कर रखा है नो डाउट, आपको भी पता है। फिलहाल दो से शुरुआत करते ना बहुत है दो। उसके अलावा यू खान, दो उमरा खान जबरदस्त टीम से, उस्मान खान है ना, उसके अलावा सैम फैनिंग एक अच्छा प्लेयर टीम था, सैम फैनिंग को कवर करके चल सकते हो। मैथिस पोस भी है बट मैं प्रेफर करूँगा ना सैम फैनिंग के लिए, ना थोड़ा सा आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है मेरे साइड से, मुझे लगता है। बाकी शिवेश के वगैरह टी वेली ये सब भी हैं, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। वरना बैटिंग करे तो थोड़ा सा सेफ, और नहीं ओपनिंग में करा है बंदा, ओपनर है। हाँ तो देख लेना अपने हिसाब से किसको कवर करना चाहिए। ये सब ठीक है, मैं मानता हूँ इरफान खान वगैरह, बट इतना मुझे पसंद नहीं था दो का बर्थ दिखा रहे। चलो ये फिश आप जूस इनको, ये फशीश को आप रिलेटिव ट्राई चलेगा फशीए को। मैं फिलहाल के लिए फैमिंग या फिर स्पोर्ट्स सोना प्रेफर करूँगा, नहीं बंदा टीम तो सही ठीक ऑप्शन लग रहा है मिडल ऑर्डर हिसाब से। तो विकेट्स भी एक ही लिख दिया गया, तो इनको ट्राई किया जा सकता है मेरे साइड से जो मुझे लगता है। अगर आप चाहो ना तो डेफिनेटली पिक कर सकते हो, मुझे लगता है पिक कर लेना चाहिए। टीवी ठीक है लेकिन लोग सिलेक्शन ज़्यादा देख रहे हैं ना यार, ये दिक्कत है। एस फैनिंग के साथ जा सकते हो, बट आज भी मैं टीवी को ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा बस टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है ये बंदा थोड़ा सा। उसके अलावा मैथ्यू के लिए एक ज़बरदस्त पिक टीम से नो डाउट, बहुत दिन बाद इनको देख रहे टीम से मैथ्यू के लिए, बहुत दिन बाद भी देख रहा हूँ लिटरली, मतलब पूछो मत कितने साल बाद मैं इनको टीम में पिक कर रहा हूँ। उसके अलावा के अली ये शायद अवेलेबल नहीं है, काशिफ अली अवेलेबल है, अगर वो ऑनलाइन से नाम हुआ तो आप कवर कर सकते हो। काशिफ अली नहीं, नाम नहीं है, नहीं है नाम, तो सॉरी इसको कवर करना कोई कोई मतलब बनता नहीं है। आप तामिनास को कवर कर लो कि बहुत ज़बरदस्त प्लेयर, मैंने ऐसे T20 खेलता था तब से इनको पिक करता हूँ, पिक कर चलो जे विन नोट वगैरह, बट मैं प्रेफर करूँगा दो ही से शुरुआत करती इधर। उसके लिए जेरी चार्ल्सन नो डाउट भाई कैप्टन का होता है, तो बॉलिंग करेगा ना। उसके अलावा सभा धानी भाई, अगर ये धानी खेलेगा तो भी क्या ही दिक्कत है, सॉरी बट लैंग्वेज में नाम धानी का भी नहीं है ना यार, अगर धानी का नाम रहता तो मैं डेफिनेटली कवर कर लेता। उसके लिए बी जैक्सन एक अच्छा प्लेयर टीम से, बट लास्ट मुझे काफ़ी महंगा गया था। क्रिस्टल वगैरह भी अवेलेबल है, पावर अवेलेबल है टीम से, टी पावर शायद अवेलेबल है, डिक्लेन पावर, हाँ डिक्लेन पावर और अवेलेबल है, लुकास मार्टिन भी है, तो एक अच्छा पिक हो सकता है, मैं भी कवर के चलता हूँ। उसके लिए इधर से देखोगे ना सभा धानी अगर पिक खेलेंगे ना तो आफ बंद के भी पिक करना भाई, ये बंदा जाता है बॉलिंग करता है और विकेट्स के हमारे बहुत ज़्यादा विकेट टेकिंग है। वाई क्यूब अवेलेबल है, जे खान भी अवेलेबल है, मोहम्मद इमरान नहीं मुझे पिक करना है ना, जूनियर कहाँ गया यार, जूनियर नहीं है ये, नहीं यार मोहम्मद इमरान यही ना है, जूनियर मुझे चाहिए, जूनियर बहुत ज़्यादा विकेट, हर में से दो दो विकेट लेके बंदा जाता था, मोहम्मद इमरान मुझे चाहिए, यही है मोहम्मद इमरान शायद, अब इनके जूनियर क्यों नहीं लिख रहे, अच्छा अपने टीम से कवर चल सकते हो। अगर फाइन टीम में अगर सब धानी खेलूँ तो मैं पिक कर लूँगा, या कि भी इनकी जगह पर पिक कर रहा हूँ अदरवाइज पिक कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं चार बॉलर पिक किया और चारों इंपॉर्टेंट ऑप्शन टीम इधर से, इधर से मैं शायद काशिफ अली पिक कर लेता हूँ, मैंने नेशनल T20 में काफ़ी कवर किए। आफ्ताब मीनाज को ड्रॉप मत करना, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में रहता है नेशनल T20 में, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी में। चलो यहाँ की टीम तो बन गई, कैप्टन की बात करते मैं दो मैथ्यू के लिए बहुत दिन बाद मैं पिक किया, मैं ऊपर से बता रहा हूँ बहुत दिन बाद, पहले बहुत पिक किया करता था, कैप्टन करता था काफ़ी डोमेस्टिक मैचेस में, आज भी इन्हीं के साथ कैप्टन जा रहा हूँ, आज जब भी करता तो इनको कैप्टन करता ही। वाइस कैप्टन आफ्ताब मीनाज के साथ कुछ लोग बोलेंगे ना कि आफ्ताब मीनाज पर ऐसा क्या दिख रहा है कि सब लोग मतलब कि मैं इनके साथ सीरीज में बता दूँ, अगर आप नेशनल T20 नहीं खेलेंगे तो आपको नहीं पता होगा, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर आफ्ताब मीनाज, वरना बैटिंग भी करके देगा और बॉलिंग भी पूरे ओवर करेगा, चार ओवर अच्छा प्लेयर टीम तरह से, और आफ्ताब मीनाज बहुत टिक के खेलने वाला प्लेयर। अगर वाइस कैप्टन का सवाद धारी खेलेंगे ना, सॉरी चेंज करो यार, जे रिचार्डसन करो वाइस कैप्टन, क्योंकि बंदा देखते हैं बॉलिंग करके देगा, और मैं हो सकता है कि याकिब के जगह पे हो सकता है कि मेरी टीम में किसको जगह दूंगा, पहला पॉइंट हो सकता है कि मैं जगह उसको दूंगा
सैम फैनिंग को, दूसरा हो सकता है कि मेरी टीम में सबाद धानी होगा, वो खेलेगा तो इम्पोर्टेंट भी मैं मानता हूँ, बाकी टीम परफेक्ट है। टीम आपको थोड़ा सा लग रहा है बट टीम बहुत परफेक्ट, मैं पहुँचे बता रहा हूँ, बहुत सेफ है टीम, बहुत न्यूट्रल है, सारे इंपॉर्टेंट प्लेस उन्हें कवर किए। तो चलो ये तो यहाँ की टीम बन गई ड्रीम इलेवन की, लेकिन इससे अच्छी मैं टीम क्रिएट करके आपको दे सकता हूँ फैन टू प्ले पे। देखो इस ऐप पे तो आपको ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिलता है, कुछ आपको रिवॉर्ड वगैरह आपको कुछ नहीं मिलता, बट फैन टू प्ले पे रिवॉर्ड से भरा हुआ ऐप है, आपको मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। फैन टू प्ले के जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, इस ऐप के जो ब्रांड एम्बेसडर वो हरभजन सिंह है, अपने इंडियन कबड्डी टीम के कैप्टन दीपक हुडा है, और भी बहुत सारे हैं। ट्राई जरूर से करना, अजय ठाकुर भी इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर है, ट्राई जरूर से करना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, इस ऐप को डाउनलोड करना है ना, सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करना, हमारे वीडियो देख रहे हो आप, जस्ट किस पे क्लिक करना, आपको मोर वाला सेक्शन इस पर क्लिक करोगे, जैसे जैसे वीडियो देख रहे हो मोर वाला पे, फिर एक और मोर का सेक्शन इस पर क्लिक करोगे, जैसे इस पर क्लिक करोगे ये नीचे आपको लिंक खुल जाएगा हमारे फैन टू प्ले ऐप का, जो कि आप देखोगे इस पर जैसे क्लिक करोगे हमारा फैन टू प्ले ऐप आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, फिर उसके बाद साइन अप कर लेना, रजिस्टर्ड कर लेना, ठीक है। रेफर कोड मांगेगा, हालांकि अगर आप लिंक से रजिस्टर्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली रेफर कोड ले लेगा, लेकिन अगर फिर भी एक बार डाल देना, चेक कर लेना कि रेफर कोड ऐप इलेवन है या नहीं है। अगर रेफर कोड ऐप इलेवन है तो रहने देना, अगर नहीं है तो फिर से डाल देना। लेकिन रेफर कोड ऐप इलेवन से साइन अप करोगे तो इससे आपके बेनिफिट्स क्या है, अगर आप रेफर कोड ऐप यूज करोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको रियल कैश मिलेगा और जो बोनस मिलेगा उसे 100% यूज़ कर सकते हो किसी भी कॉन्टेस्ट में, ठीक है ना। और पहले 2-3 गेम्स आपको फ्री मिलेंगे, इतना याद रखिएगा। तो बस उन्हीं को मिलेगा जो हमारे फैमिली मेंबर रहेंगे, रेफर कोड ऐप लिंक से साइनअप किए होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से रजिस्टर्ड किए होंगे, तो ही याद रखना। यहाँ की टीम क्रिएट देता हूँ बहुत इजीली, इसमें देखो यहाँ पे ओपिनियन वगैरह भी, जिस ओपिनियन देके पैसे कमा सकते हो, लीडर बोर्ड की कोई कमी नहीं है, लीडर बोर्ड हमेशा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, हमेशा लीडर बोर्ड यहाँ पे लाइव रहते हैं, जैसे ओपिनियन लीडर बोर्ड यहाँ पे लाइव है, कुछ कुछ दिन का लीडर बोर्ड रहते हैं, पर टाइम आप देख सकते हो, और प्राइजेस लाखों के रहते हैं। देखो ये क्रिकेट लीडर बोर्ड है, 4 तक स्टार्ट होते हैं, 3 को एंड हो जाएगा, और इतने बड़े बड़े प्राइजेस है। सबसे पहले आपको टीम फटाफट से मैं क्रिएट कर देता हूँ, अभी यहाँ पे कॉन्टेस्ट लगा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी लगा नहीं, जैसे लगेगा मैं देख लूँगा, ठीक है ना। अभी क्लासिक फैंटेसी यहाँ पे लगा नहीं है, कुछ देर में लग जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब तक चैलेंज फैंटेसी खेल सकता हूँ, यहाँ पे 2 प्लेयर 3 प्लेयर 4 प्लेयर की टीम बना सकते हो, बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे कॉम्बिनेशन। देखो मैं 2-3 प्लेयर की टीम क्रिएट कर देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मान लो 2 प्लेयर की टीम क्रिएट करूँ तो किसको पिक करूँगा भाई, बहुत कन्फ्यूजन वाला बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बॉलिंग सेशन से सबसे पहले तो मैं चेरी चार्सन किसी भी कीमत पर ड्रॉप नहीं कर सकता, ठीक है। आप धानी वगैरह को भी पिक कर सकते हो, बट मैं 2 बॉलर्स के, मतलब 2 प्लेयर्स के साथ में टीम क्रिएट कर, आप चाहते हो 3 प्लेयर की भी टीम क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ना, ऐसा करते हैं ना कि आज मैं 3 प्लेयर की टीम क्रिएट करता हूँ, ठीक है, 2 प्लेयर की नहीं, डेली 2 प्लेयर के खेलते थे, 3 प्लेयर के खेलते। तो पहले तो मैंने पिक करना चाहूँगा, ऑल यहाँ पे ऑल का सेक्शन है, मतलब सभी प्लेयर्स अवेलेबल है। मैं पिक करना चाहूँगा यहाँ पे अफताब मीनाज को, बहुत इंपॉर्टेंट है टीम से। उसके अलावा अपनी टीम में जैक्सन वगैरह नहीं, वेस्ले डिक्लेन पावर वगैरह नहीं, जेरी चार्सन, ठीक है, इधर से 2 प्लेयर्स पिक कर लिए, 3 प्लेयर की टीम, 2 प्लेयर ऐसा बना था, तीसरा प्लेयर मैं पिक करना चाहूँगा, ऑलराउंडर से शायद मैथ्यू को पिक करना चाहूँगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्क्वाड थोड़ा सा, मतलब देखोगे तो दोनों ही पाकिस्तान के यहाँ पे ऐड हो गए भाई, यहाँ पे ये गलती है, मैं इसको सभी सुधार कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं अभी सही कर देता हूँ, टेंशन ना लो। देखा नहीं भाई, दोनों एक ही जैसे हटल के आए, ठीक है, बाकी पैंट प्ले पे अभी कुछ ही देर में मैं लाइव कर दूँगा, टेंशन मैं ही कर दूँगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ये ना अभी 4 घंटे 5 घंटे है, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे भी खेल लेना अच्छा रहेगा। बाकी ड्रीम टीम तो सही है ही, देखोगे ना, तो एक दो चीज़ें अब तक भी ना, तो कमज़ोर मत समझना, याद रखना, बहुत ज़बरदस्त है बंदा। अभी आई क्योंकि जब मैं पिक करूँगा यहाँ पे धानी को पिक करूँगा, आप डिटेल यहाँ पिक करूँगा, ठीक है। बाकी पैंट टू प्ले प्लेस्टोर जो से कहीं को बहुत अच्छी ऐप है, कुछ ही देर में मैं अभी लाइव करूँ, बस वीडियो एंड करूँगा, उसके बाद मैं वहाँ पे लाइव कर दूँगा, टेंशन ना लो, ठीक ना, मैच लाइव वहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी परफेक्ट टीम, फाइन टीम लेटी, हम चाहे जो से लेना, और हाँ चाहे सबसे जो से कर लेना,